हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अब क्राउन जूल के पेपर व्यू को होने में अब लगभग 10 दिनों का टाइम रह गया। इसलिए इस वीक का रॉ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है। इसलिए WWE ने अभी से ही कई सारी बड़ी चीजें ऑफिशियल कर दी है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इस वीक के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सो सबसे पहले हम रॉ से जुड़ी चीजों से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया इस वीक के रॉ क्लिप, वो है बिग ई एंड ड्रू मैकएंटायर हमें फेस टू फेस आते हुए दिखेंगे। अब जैसा कि आप सबको पता ही है, लास्ट वीक के रॉ में बिग ई ने ड्रू मैकएंटायर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और इन दोनों का मैच अब ऑफिशियल हो चुका है क्राउन जूल के पेपर व्यू में। एंड इस वीक के रॉ में ये दोनों आमने सामने आने वाले, तो देखते हैं इनके बीच हमें क्या कोई ब्रॉल वगैरह देखने को मिलता है या फिर इन दोनों को कोई टीम या फिर सुपरस्टार इंटरप्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साशा बैंक्स एंड बियंका बेलर एक टैग टीम में रहने वाली है और वो फेस करने वाली है बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर की टीम को। और जैसा कि आप सब जानते हैं, साशा बैंक्स, बियंका बेलर और बेकी लिंच का एक ट्रिपल थ्रेट मैच तो बुक है क्राउन जूल के पेपर व्यू में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप क्लिप, बट हमें शार्लोट फ्लेयर का भी इन तीनों फ्यूड में कुछ ना कुछ रोल देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या ये कुछ हमें लीड करते हुए दिखता है, यानी कि ये एक फैटल फोर वे मैच बनता है रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, या फिर WWE के पास रॉ में करने के लिए शार्लोट फ्लेयर कुछ है नहीं इसलिए उन्होंने बस ऐसे ही शार्लोट फ्लेयर को यहाँ पर बुक किया है। एंड क्या पता WWE क्राउन जूल नहीं बल्कि सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही हो, क्योंकि बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर दोनों हील है, तो क्या इनके बीच WWE एक सिंगल्स मैच कराएगी, इसके काफी कम चांसेस है। बट जो भी हो, शायद से WWE कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैच या कहा जाए मैचेस जो ऑफिशियल हो चुके हैं वो है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। तो पहला मैच हमें देखने को मिलने वाला है कोफी किंगस्टन वर्सेस जिंदर महल का, और जो दूसरा मैच होने वाला है वो है रिकोशे वर्सेस एक्सेवियर वुड के बीच, यानी कि जो भी इन दोनों मैचेस को जीतेगा वो पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। एंड ब्रैकेट देखकर आप सब सिंपली समझ ही सकते हो। वही बात कर ली जाए क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के बारे में, देन सबसे पहला मैच होने वाला है डूड्रॉप वर्सेस नेटालिया के बीच, और दूसरा मैच होने वाला है सेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रुक के बीच, और जो भी इन दोनों मैचेस को जीतेगा वो पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। सो आपको क्या लगता है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट से सेमीफाइनल में कौन कौन से सुपरस्टार पहुंचने वाले हैं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा बात की जाए गोल्डबर्ग एंड बॉबी लेस्ली के बारे में, तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिला था एंड उनका और बॉबी लेस्ली का मैच ऑफिशियल हो चुका है क्राउन जूल के पेपर व्यू में, जो कि होगा एक नो होल्ड बार्ड मैच। अब लास्ट वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली एंड गोल्डबर्ग के बीच तो कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि गोल्डबर्ग पर पीछे से सेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर अटैक कर देते हैं एंड गोल्डबर्ग उन पर स्पीयर लगाते। तो अगर इस वीक के रॉ में गोल्डबर्ग आते जिसके थोड़े कम चांसेस है, देन हो सकता है हमें फाइनली गोल्डबर्ग एंड बॉबी लेस्ली के बीच ब्रॉल देखने को मिल जाए एंड गोल्डबर्ग अपने सन पर हुए अटैक का हमें बदला लेते हुए दिखे बॉबी लेस्ली से। सो गाइस, यही कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें देखने को मिल सकती है एंड कुछ जो WWE ने ऑफिशियल कर दिया इस वीक के बड़े नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस वीक के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच होने वाला है कुछ ना कुछ बड़ा। अब गाइस, अगर आप सबने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, देन मैंने आप सबको बताया था कि इस वीक के स्मैकडाउन में WWE के लिए एक खतरा है एंड वो खतरा कोई और नहीं, वो है AEW, बिकॉज इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है सुपर साइज स्मैकडाउन, जो कि होने वाला 2.5 आवर्स का, और लास्ट का जो हाफ आवर होने वाला है वो कंप्लीट करने वाला है AEW के पहले आधे घंटे के साथ। एंड टोनी खान ने कह दिया कि वो रेडी है WWE के मेन शो स्मैकडाउन को बीट करने के लिए इस वीक। अब हम सभी को लग रहा था कि शायद से WWE इस चीज पर उतना ध्यान ना दे, लेकिन आप सबको बता दूं स्मैकडाउन का जो एक्स्ट्रा आधा घंटा होने वाला है उसे WWE ने कर दिया कमर्शियल फ्री, यानी कि वहां पर हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट आते हुए नहीं दिखेगी, और अगर एड्स नहीं आएगी तो फैंस अपना चैनल स्विच नहीं करेंगे। इसलिए WWE जरूर से लास्ट के आधे घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेगी जिसके वजह से फैंस स्मैकडाउन छोड़कर ना जाए AEW रैम्पेज देखने। और जैसा कि आप सबको पता ही है WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन के लिए ब्रॉक लेसनर को कंफर्म कर दिया, तो मे बी हो सकता है हमें ब्रॉक लेसनर का स्मैकडाउन के मेन इवेंट में मैच देखने को मिल जाए उसोस के साथ, जो कि एक सिंगल्स मैच भी हो सकता है किसी एक उसो के साथ या फिर दोनों उसोस के साथ एक हैंडीकैप मैच। और इसका रीजन ये है कि जितने बार भी ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस आमने सामने आए इनके बीच हमें ब्रॉल देखने को मिला है, तो अगेन अगर इस वीक के स्मैकडाउन में ये चीज हमें देखने को मिलती है देन ये थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाएगा। इसलिए WWE कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग करते हुए दिख सकती है, और अगर मेन इवेंट में WWE ब्रॉक लेसनर का मैच बुक कर देती है उसोस के साथ, देन आप सब साफ कह सकते हो फैंस स्मैकडाउन छोड़कर AEW रैंपेज देखने कभी भी नहीं जाने वाले, और उस मैच में रोमन रेंस भी रिंग साइड पर मौजूद रह सकते हैं। एंड क्या पता मैच के बाद हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच ब्रॉल देखने को मिल जाए, तो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। ऐसा हो क्यों सकता है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया, बिकॉज ये है एक बेबी फेस ब्रॉक लेसनर जो कि भाई फैंस के अगेंस्ट नहीं बल्कि फैंस के साथ है। इसलिए WWE ऐसा कुछ प्लान कर सकती है, इसलिए लेट्स सी कि ऐसा
ऐसा होता है या फिर नहीं, क्योंकि भाई जब WWE ने ये कह दिया है कि लास्ट का जो आधा घंटा होने वाला है उसमें कोई भी एड्स नहीं आने वाले, तो ये बात तो साफ है कि WWE थोड़ी बहुत तो जरूर से डर रही है AEW रैम्पेज से, बिकॉज इस वीक का स्मैकडाउन FS1 में आने वाला है जिसकी ऑडियंस काफी ज्यादा कम है। तो अगर AEW रैम्पेज गलती से हरा देती है स्मैकडाउन को तो आप सब कह सकते हो WWE के लिए ये काफी बड़ी बेइज्जती वाली थिंग हो जाएगी। अब मैंने पहले ही कहा है कि मुझे नहीं लगता AEW रैम्पेज हरा पाएगी स्मैकडाउन को रेटिंग्स में, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप अगर WWE क्रिएटिव टीम में होते देन आप स्मैकडाउन के लास्ट के आधे घंटे में कौन सा सेगमेंट डालना चाहते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।